The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों हमने आजकल टेस्ट्स की थ्योरी शुरू करी हुई है, सो हम आपको समझा रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कैसे होते हैं, क्यों कहे जाते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल टेस्ट का मतलब क्या होता है, CBC रेड ब्लड सेल सारी सीरीज चल रही है, ढूंढ के देख लीजिएगा। ढूंढने का एक ही तरीका है, टॉपिक प्लस डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब सर्च बार पर टाइप करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली हर एक को करना चाहिए, हर साल कम से कम। विटामिन B12 का टेस्ट मेजर करता है कि आपके ब्लड के अंदर B12 विटामिन कितना है। उसके लिए ब्लड सैंपल चाहिए। उसके लिए क्या आपको खाली पेट रहना चाहिए? जी हाँ, आपको 6 से 8 घंटे खाली पेट रहना चाहिए, इसलिए सुबह सुबह का फर्स्ट सैंपल बेस्ट होता है। कई दवाइयां ऐसी होती है जो आपके रिजल्ट से में गड़बड़ कर सकती हैं, इसलिए आपको कुछ दवाइयां अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि मुझे लेना है नहीं लेना है, बंद करनी तो नहीं है। जैसे कि ब्रेन के बीमारी की दवाइयां होती है फिनेटोइन, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक, कोल्चिसिन या पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, ऐसी ये सारी दवाइयां आपके B12 लेवल को अफेक्ट कर सकती हैं। टेस्ट कैसे होता है? ऑब्वियसली आपका खून लिया जाएगा, आपको सुई लगाएंगे, चुभेगा, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, वो तो रहता ही है। सुई चुभेगा तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही। क्यों करते हैं टेस्ट? देखिए, आपके डॉक्टर को रिस्क समझ आता है, B12 की डेफिशिएंसी का रिस्क है, या तो आपको खून की कमी है, उसमें आपको पर्निशियस एनीमिया की कमी लग रही है, या आपको लग रहा है कि आप लेते ही नहीं हो, खाते ही नहीं हो B12, या आपके डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर आपको कोई सिम्टम है जैसे कि नसों का सिम्टम है, नसों में सुनपना, टिंगलिंग, नमनेस, बैलेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, B12 की डेफिशिएंसी के जो साइन सिम्टम हमने B12 वाले डिस्कस किए थे वीडियो में, और या फिर आपको कोई और डिलीरियम, दिमाग की कंडीशन, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, डेमेंशिया, नर्व प्रॉब्लम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऐसे प्रॉब्लम्स में B12 का टेस्ट करना ज़रूरी है। नॉर्मल लेवल क्या है? 160 से 950 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, PG पर ML, या फिर दूसरा भी इसका एक वैल्यू होता है 118 से 701 पिकोमोल पर लीटर। दो इसके वैल्यूज हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स, दो यूनिट हैं। सो आपके लैब के कौन सी यूनिट के थ्रू वो दे रहे हैं, तो आप अपनी लैब का नॉर्मल रेंज जरूर चेक करेंगे। हर एक नॉर्मल लैब का नॉर्मल रेंज थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन लैब ने कौन सा मेथड, कौन सा टेस्ट का तरीका यूज किया, राइट। सो एबनॉर्मल टेस्ट आ गया, फिर क्या मतलब? अगर आपका लेवल 160 PG पर ML या 118 पिकोमोल पर लीटर से कम है, दैट मीन्स आपको B12 डेफिशिएंसी है पक्का। लेकिन अगर आपका लोअर साइड में भी है तो भी वो सही नहीं है, तो भी उससे सिम्टम आ सकते हैं, राइट। पीपल जिनको डेफिशिएंसी है उनको सिम्टम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स जिनको B12 और ज़्यादा कम हो गया, 100 से नीचे हो गया, 100 पिकोग्राम या 74 पिकोमोल पर लीटर से नीचे हो गया, दैट मीन्स उनको पक्का बहुत सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। और डेफिशिएंसी में कई बार फॉल्स डेफिशिएंसी भी दिख सकती है, तो उसके लिए एक और टेस्ट आता है मिथाइल मेलोनिक एसिड, उसका लेवल भी हमें चेक करना होता है ब्लड में। अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड हाई आएगा। अब हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था B12 वाले कि भाई अगर आप वेजिटेरियन वेगन हैं, B12 की चीज़ें नॉनवेज में होती है नहीं खाते, तो B12 डेफिशिएंसी होगी। आपको पेट में एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, पेट की बीमारी है, सीलिएक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, राइट, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज, तो आपको B12 डेफिशिएंसी मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, आपने पेट में कोई ऑपरेशन कराया हो सकती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो सकती है, हाइपरथायरॉयड में जहां आपकी बॉडी एबनॉर्मली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है उसमें भी आपको B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी में आपकी B12 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वहां भी आपको B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सो इन सब कंडीशंस में आपको समझना है कि कारण हो सकता है, और इंक्रीज हो जाना, B12 बढ़ जाना बहुत अनकॉमन है, क्योंकि B12 ज़्यादा लेवल में आपका यूरिन से निकल जाएगा, बहुत आसानी से आपका बॉडी निकाल देती है यूरिन से, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें B12 बढ़ा हुआ है। नंबर 1, अगर आप B12 के बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट खा रहे हो,
नंबर टू, अगर आपको लिवर डिजीज़ है, अगर आपको सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, उस केस में B12 बढ़ा हुआ आ सकता है, या फिर एक रेयर माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा, क्रॉनिक माइलोजेनरस ल्यूकीमिया, ऐसी ब्लड की बीमारियों में भी B12 बढ़ा हुआ आ सकता है। सो ये हुई बात दोस्तों B12 वाले टेस्ट की। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करे, मदद करे। अगली बार B12 का टेस्ट ज़रूर कराइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरी है, ये सबको जानना ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।